हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के जी सामान्य ज्ञान। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो घंटी बनी है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो है वो हमारे चैनल के जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं, ठीक है, वो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बजट पेश हुआ भारत का, ठीक है, इंडियन बजट 2020-21। मैंने पहले ही बताया था बजट जो है वो अगले साल का होता है, तो ये 2020-21 का बजट है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कल पेश हो गया था भारत का, तो वो जो होता है वो 19-20 का था, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का होता है और बजट अगले साल का होता है, फ्यूचर का बजट है। तो हिमाचल का बजट जो है वो मार्च के पहले हफ्ते में आएगा, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड वीडियो हम लेकर आएंगे। हम भारतीय बजट की बात कर लेते हैं सबसे पहले, और भारतीय बजट में जो है वो महिला और बाल विकास विभाग को कितना पैसा कुल अलॉट हुआ और किस किस स्कीम में कितना पैसा जो है वो दिया गया है, तो देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो पिछले साल था बजट में, जो फरवरी में आया था, 1 फरवरी को बजट 2019 में, तो महिला बाल विकास विभाग को 26,184 करोड़ का बजट अलॉट हुआ था। इस साल उसमें लगभग 14% की वृद्धि की गई है और 30,07 करोड़ का जो है वो बजट है, ठीक है, 30,07 करोड़, 10 लाख का जो है ये बजट है टोटल, ठीक है। तो लगभग 14% की वृद्धि की गई है WCD डिपार्टमेंट के बजट में। अगर हम बात करें वर्किंग वुमेन हॉस्टल की, तो पहले पिछले साल जो था बजट में 45 करोड़ का प्रावधान है, इस बार उसको 3 गुना बढ़ाया गया, 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक्चुअली पिछले साल भी जो है वो 165 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन वो खर्च नहीं हुआ था, सिर्फ 45 करोड़ ही था। तो लगभग 3 गुना से ज्यादा की वृद्धि है वर्किंग वुमेन हॉस्टल में। अगर नेशनल कैच स्कीम की बात करें, तो पिछले वर्ष जो था वो लगभग हमारे पास नेशनल कैच स्कीम में 50 करोड़ रुपया था, तो लगभग 1.5 गुना की वृद्धि हुई है, 75 करोड़ रुपए जो हैं वो इसके अंतर्गत आए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में 280 करोड़ थे पिछले वर्ष, 220 करोड़ है इस वर्ष, थोड़ी सी इसमें कटौती हुई है। महिला शक्ति केंद्र में 50 करोड़ थे, इस साल जो है वो डबल बढ़ा दिए गए हैं, 100 करोड़ की जो है वो स्कीम है, डबल हो गए हैं पैसे। आंगनवाड़ी सर्विसेज, दो सर्विसेज हैं हमारी, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज और आंगनवाड़ी सर्विसेज अम्ब्रेला ICDS में, तो लगभग 60% पैसा जो है, 30,000 करोड़ का जो पैसा है उसमें से 20,000 करोड़ जो है वो आंगनवाड़ी सर्विसेज के ऊपर खर्च होगा। तो पिछले साल जो था इसमें 19,834 करोड़ खर्च हो रहे थे, इस वर्ष जो है 20,532 करोड़ रुपया जो है वो खर्च होगा, जो बजट जो है फिजिकल ईयर जो है 19-20 में जो था वो 19,834 करोड़, और इस साल जो है वो 20,532 करोड़ है जो 2020-21 के लिए। PMVY स्कीम में पिछले वर्ष जो था 2300 करोड़ अलॉट हुआ था, ठीक है, 2019-20 में, और इस वर्ष जो है वो 2500 करोड़ की राशि जो है वो अलॉट हुई है 2020-21 के लिए। वन स्टॉप सेंटर में 204 करोड़ थे, जिसको काफी हद तक उसमें बढ़ोतरी हुई है, और ये लगभग 385 करोड़ की राशि आवंटित की गई है 2020-21 के लिए। पोषण अभियान में 3400 करोड़ थे पिछले वर्ष 2019-20 में, और इस साल 2020-21 के लिए जो है वो 3700 करोड़ की राशि जो है वो आवंटित की गई है। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर के लिए जो है वो 3891 करोड़ रुपए जो थे वो आवंटित किए गए थे पिछले वर्ष 19-20 में, इस वर्ष जो है वो 4036 करोड़ के आसपास जो है वो राशि आवंटित की गई है। उज्ज्वला स्कीम थी एक, जो ट्रैफिकिंग में जो ट्रैफिकिंग से जिनको रेस्क्यू किया जाता है उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, ठीक है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, तो उसके लिए पिछले वर्ष 20 करोड़ थे, इस वर्ष उसको 30 करोड़ किया गया, ठीक है। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, ठीक है, जिसमें ICPS जो पहले जिस ICPS के नाम से जाने जाती थी, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, जिसमें JJ बोर्ड है और DCPU है, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, ठीक है, तो ये सारे के लिए पिछले वर्ष जो था 1350 करोड़ थे, इस वर्ष इसको बढ़ा के 1500 करोड़ किया गया। और मिशन है एक प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, पिछले साल 961 करोड़ थे, इस बार 1163 करोड़ है। तो ये टोटल बजट है महिला और बाल विकास विभाग का, 14% की इसमें वृद्धि की गई है, ठीक है, 26,184 करोड़ है था पिछले वर्ष बजट, और इस साल जो 2020-21 का बजट है वो 30,000 करोड़ का है, 30,007 करोड़ का बजट है टोटल, ठीक है, 14% की वृद्धि है इसमें। वर्किंग वुमेन हॉस्टल में देख सकते हैं 3 गुना वृद्धि है, 1.5 गुना क्रैच स्कीम में वृद्धि है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ज्यादा मतलब कोई इंक्रीज नहीं हुआ है बल्कि कमी हुए हैं पैसे। महिला शक्ति केंद्र में डबल है, आंगनवाड़ी सर्विसेज में भी मामूली वृद्धि हुई है, PMVY में भी कम है, वन स्टॉप सेंटर में काफी वृद्धि हुई है लगभग 70-80%,
ठीक है, पोषण अभियान में भी लगभग 10% के आसपास वृद्धि हुई है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में भी बहुत हल्की वृद्धि है 3-4% की, उज्ज्वला स्कीम में 1.5 गुना वृद्धि है, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज में जो है वो 10% के आसपास जो है वृद्धि है, 10 से 12%, ठीक है। तो ये हमारे जो था ये बजट से रिलेटेड जो है वो वीडियो था, धन्यवाद।